हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल हाइपर ट्रेड एसबी। मैं हूं मोहम्मद सुहेल। दोस्तों, एशियन पेंट्स पे अपने प्रीवियस वीडियो के एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग जिधर एंट्री लिए थे, वहां अपने एंट्री के बेसिस पे हमारा जो टारगेट था 3120 3160 शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल शॉर्ट टर्म टारगेट अचीव हो गए। अभी हमारे सब्सक्राइबर मुझे मैसेज करके ये पूछ रहे हैं, सुहेल भाई 3300 के लिए रुक सकते हैं क्या? ये मुझे पूछ रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको उसका एक क्लैरिटी लेवल दूंगा, एंड उस लेवल ब्रेक हुआ तो नीचे जाएगा, अगर उस लेवल को होल्ड किया तो ऊपर जाएगा 3300। और आपको पता है प्रोफेशनल टारगेट अचीव होते जो निकलते हैं निकल जाओ, जो नहीं निकले हैं 3300 फाइनल टारगेट के लिए होल्ड कर रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा 3160 का आप ट्रेलिंग लगा के चलो। अभी मैं अपना जो प्रीवियस एनालिसिस है उसे डिलीट करता हूँ, एंड अभी मैं आपको नई एनालिसिस देता हूँ। अब नया एनालिसिस समझने की कोशिश करो। स्टॉक 200 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दिया, अगर स्टॉक 200 ईएमए को ब्रेक करके कहीं पर भी रेड कैंडल फॉर्म करता है तो उसे 3160 का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा तो ही फॉल होगा, वरना स्टॉक के अंदर रैली होगा। रैली होगा तो भी कहां तक होगा, स्टॉक ऑलरेडी अपने प्रीवियस ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दिया, पर स्टॉक के अंदर अपना जो ट्रेडेड वैल्यू है उस ट्रेडेड वैल्यू के रिजेक्शन के वजह से स्टॉक अभी नीचे आके रुका है। अब हम लोगों को कंफर्मेशन कौन देगा? हम लोगों को कंफर्मेशन देगा अपना RSI, MACD एंड मैट्रिक्स सीरीज। मैट्रिक्स सीरीज में स्टार मार्क इंडिकेशन है, इसका मतलब ये है कि स्टॉक के अंदर बायर कम हो रहे हैं, सेलर एक्टिव हो रहे हैं। इसका मतलब स्टॉक नीचे गिरने वाला है 3070 के पास, यहाँ पे स्टॉक नीचे गिरने वाला है दोस्तों। एंड स्टॉक यहाँ पे जो भी बढ़ेगा, ऑलरेडी स्टॉक 60 RSI से ओवरबॉट हुआ है, इसका मतलब प्रॉफिट बुकिंग जो अपने को मैट्रिक्स सीरीज बता रहा है वो प्रॉफिट बुकिंग सही है, जो अपने को आरएसए भी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। अगर ये इस बार ओवरबॉट नहीं होते हुए डायरेक्ट मंडे या ट्यूसडे अगले हफ्ते में कहीं पर भी ये प्रॉफिट बुकिंग दे रहा है, लूज कैंडल फॉर्मेशन दे रहा है, इसका मतलब क्लियर है कि स्टॉक के अंदर फॉल चालू हो जाएगा। अगर आप फिर से फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो फ्रेश बाइंग आपको करना होगा 3070 के नीचे, जो अपना प्रीवियस ब्रेकआउट है। अगर नहीं, प्रीवियस ब्रेकआउट पे नहीं करना चाह रहे, ये जो ट्रेंड बना रहा है इस ट्रेंड के अंदर हम लोगों को लेवल क्लोज होता हुआ दिखेगा। जब तक ये लेवल होल्ड नहीं करेगा, जब तक 3300 लेवल हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो बस मेरा सजेशन है, नेक्स्ट टारगेट के लिए होल्ड करो, पर 3160 का आप स्टॉक के अंदर ट्रेलिंग भी लेके चलो दोस्तों। यही था मेरा अपडेट एशियन पेंट्स पे। अगर आपको स्टॉक पे एनालिसिस समझ में आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।